खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को लेकर अभिभावकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अत्यंत आवश्यक है। 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी माता पिता अपने बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वहीं इसी क्रम में मार्तंड क्रमांक 1 में 12 साल के बच्चों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया। आइए दिखाते हैं किस तरह से लगाई जा रही है 12 साल के बच्चों को वैक्सीन। क्या नाम है? ऋषभ मिश्रा। ये वैक्सीन लगाने आए थे, आज पहला डोज है? पहला ही डोज है मेरा। क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? बहुत दर्द हो रहा है। पहले इंजेक्शन कभी नहीं लगा आपको? लगा है ना, लेकिन भाग देता। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है और आप सभी इस वैक्सीनेशन में लगातार सहयोग देते आ रहे हैं। जब तक वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरे नहीं होते हैं, तब तक वैक्सीन अपना पूरा काम नहीं करती है। इसलिए ज़रूरी है कि 15 साल से अधिक उम्र के उन बच्चों ने जिन्होंने पहला वैक्सीन लगा लिया है और उनके डोज की डेट पूरी हो गई है, वो दूसरा डोज शीघ्र लगा लें। जो 12 साल से बड़े बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जल्द से जल्द ज़िले के सभी बच्चों का जिनकी उम्र 12 साल से अधिक हो चुकी है उनका पहला डोज पूरा कराएं और जब 28 दिन की अवधि पूरी हो जाए उसके बाद दूसरा डोज भी अवश्य लगाएं। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज का लगना अत्यंत आवश्यक है और सभी बच्चों के माता पिता से मेरी अपील है कि जिन्होंने पहला डोज लगा लिया है वो दूसरा डोज लगाएं और जो बच्चे अभी 12 साल की उम्र के हैं वो पहला डोज अवश्य लगाएं। जो केंद्र बनाए जा रहे हैं उनकी विस्तार से जानकारी स्कूलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन दिया जा रहा है।